यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे यूपी के सभी जिलों के मौसम का हाल, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में यूपी में तापमान कैसा रहने वाला है, यूपी के कौन कौन से इलाकों में किस तरीके का तापमान बना रहेगा, क्या कुछ अंतर तापमान में देखा जाएगा और किस तरीके से असर तापमान में रहेगा, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या कुछ हाल देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोग घरों में कैद हैं और कुछ शहरों में तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, यानी कि तापमान में गिरावट को देखते हुए मौसम विभाग ने अब शीतलहर की भी चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग की माने तो अभी शीतलहर उत्तर प्रदेश में चल सकती है और इसके चलते कड़ाके की ठंड का एहसास उत्तर प्रदेश के लोगों को होने वाला है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 दिसंबर को खास तौर पर ठंड अपना असर दिखाने वाली है और बर्फीली हवाओं के चलते वाराणसी कानपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले 3-4 दिन तक तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि कुल मिलाकर यूपी में ठंड से हाल बेहाल हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो कुछ ही दिनों में यूपी में पहले पछुआ हवाओं का जो असर था वो देखा जा रहा था, लेकिन अब बर्फीली हवाओं का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अलग अलग जिलों के तापमान का हाल जाने तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 22, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में अधिकतम तापमान 23, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में अधिकतम तापमान 23, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में अधिकतम तापमान 21, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में अधिकतम तापमान 23, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या में अधिकतम तापमान 22.4, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में अधिकतम तापमान 21, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और आगरा में अधिकतम तापमान 22, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी कि कुल मिलाकर यूपी के अलग अलग शहरों में शीतलहर से लोग सिकुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी यूपी में खास तौर पर कई शहरों में शीतलहर चल रही है और दूसरे शहरों में जोरदार ठंड पड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार होने से अगले 2-3 दिनों तक ऐसी ही ठंड पड़ने की संभावना जताई है। हालांकि 2-3 बाद ठंड से राहत मिल सकती है और उसके बाद मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो 2-3 दिन ठंड का असर जो है वो यूपी में बरकरार रहने वाला है, यानी कि यूपी के लोगों को अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है, अपने अपने गर्म कपड़े निकालने की आवश्यकता है क्योंकि यूपी में काफी ज्यादा ठंडक का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी और कानपुर में ठंड का कहर इतना ज्यादा है कि 2 दिन तक इंटर तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 3-4 दिन में खास तौर पर गिरावट देखी जाएगी। 23-24 दिसंबर को यूपी काफी ज्यादा ठंडा रहेगा। जिन शहरों में शीतलहर चल सकती है उसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, कानपुर, वाराणसी हैं। यहां पर काफी ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की जा सकती है। आपको बता दें कि 9 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया। ऐसे में यूपी शिमला और मसूरी को भी पीछे छोड़ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान यहां पर ठंडा मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड किया गया, यहां पर 2.2 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। यानी कि यूपी के इन 2 शहरों में काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में सर्दी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।